वन ऑफ द बेस्ट शोज एवर फिनियस एंड फर्ब। हमारा पूरा बचपन इस शो को देखते हुए गुजरा है। इस शो ने हमारे जनरेशन को इंस्पायर भी किया है कि इमेजिनेशन इज द बेस्ट एंड कोई भी दिन को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मगर ये हमें ये भी सिखाता है कि ये इतना आसान नहीं होता। वहां पे हमेशा कोई ना कोई ऐसा बंदा रहेगा जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश जरूर करेगा। वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो हमारी ऑप्टिमिज्म और क्रिएटिविटी हमसे छीन ले। तो यही वो मैसेज है जो ये एपिसोड फिनियस एंड फर्ब डॉट बस्टेड हमें सिखाता है। इस एपिसोड में कैंडिस न जाने कितनी बार कोशिश करने के बाद फाइनली ही अपने भाइयों को फंसा ही देती है और उनकी मॉम उनसे गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी है। और वो फिनियस एंड फर्ब को एक रिफॉर्मेटरी स्कूल में भेज देती है, यानी कि एक सुधारवादी स्कूल में। एंड इन दिस कोट एंड कोट स्कूल फ्री थिंकिंग चिल्ड्रन एक पर्सनैलिटी रिप्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाते हैं जहां पर उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को खत्म कर दिया जाता है। ये एक तरीके की जेल है, पर ये जेल नहीं है, जो कि आप समझ ही सकते हैं। मैं तो इसे प्रिजन ही बुलाऊंगा। और इसी बीच कैंडिस ऐसे जश्न मनाती है जैसे उसने एक ऑस्कर जीत लिया हो, और वो ये कहती है कि दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ। आई नो, वेरी प्रीटी सैड लाइफ। बट वो धीरे धीरे अपने भाइयों की कमी महसूस करने लगती है और वो ये कहती है कि वहां एक दूसरा पहलू भी था उनके रिलेशनशिप का जो उसने कभी नोटिस ही नहीं किया। और वे ये सब महसूस करने लगती है जब स्टेसी अपना एक बहुत ही दुख भरा गाना गाती है। कैंडिस स्टेसी को बोलती है कि तुम मेरी वाइफ को किल कर रही हो, और यही सुनकर स्टेसी गुस्से से चली जाती है। और स्टेसी कैंडिस को बोलती है कि यू शुड गेट ओवर योरसेल्फ। और जब कैंडिस टीवी को चालू करती है वह अपने भाइयों को वहां देखती है और उसे बहुत ही बुरा महसूस होता है और उसे लगता है कि उनके भाइयों को वहां नहीं होना चाहिए। और पूरे एपिसोड में हम देखते हैं कि फिनियस एंड फर्ब कैसे प्रिजन को एक फन प्लेस बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहां का इंचार्ज पिनहेड लैरी उनका टाइम हमेशा मिजरेबल बनाता रहा। जब भी फिनियस एंड फर्ब कुछ क्रिएटिव करने की ट्राई करते थे, हमेशा पिनहेड लैरी आके उन्हें कह देता था यू कैन डू दैट। इवेंचुअली वो उनकी पर्सनैलिटी को इतना दबा चुका था कि वो एक बोरिंग रोबोट की तरह बन चुके थे। Escaping is wrong and wrongness is bad. Long story short, Candace finally अपने भाइयों को वहां से भगा ही लेती है। Candace अपने भाइयों की क्रिएटिविटी वापस लाने की बहुत कोशिश करती है। Candace समझ चुकी होती है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर चुकी है और वो रोना चालू कर देती है। Candace को रोता हुआ देख के फाइनली फिनियस अपना टूल बॉक्स उठा लेता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि पिनहेड लैरी वहां पे पहुंच जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। बट थैंकफुली वहां पर डॉक्टर डूफेंसमर्ट्स का इन्वेंशन आ जाता है ना जाने कहां से, और पिनहेड लैरी को किक कर देता है ऑफ द क्लिप और वो मर जाता है, आरआईपी। उसके बाद एपिसोड बहुत ही वियर्ड हो जाता है, बट वो सिर्फ एक सपना था, इनसाइड एक और सपना। सो यस, वो रियल नहीं था, बट हाँ मैसेजेस तो बहुत ही रियल थे। सोसाइटी हमेशा हमारी क्रिएटिविटी को दबाने की कोशिश करेगी और बहुत ही लोग हार मान चुके होते हैं, वे अपनी क्रिएटिविटी को सप्रेस करते हैं, वे बाहर ही नहीं आ पाते हैं और बीइंग नॉर्मल सिस्टम को वे फॉलो करने लग जाते हैं। हमें कोई और नहीं रोकता है, हमें कोई इंचार्ज नहीं रोकता है, हमें जो रोकता है वो हम खुद हैं। हम दूसरे के वर्ड्स को ज्यादा दिमाग में रखते हैं, हम समझते हैं कि हाँ जो वो कह रहे हैं वो सच होगा और हम अपनी पोटेंशियल को बिलीव नहीं करते, और इसी की वजह से सोसाइटी जीत जाती है। मैसेज यह है कि हमें बिलीव नहीं करना चाहिए जो भी पीपल हमारे बारे में बोलते हैं। हमें पहले खुद अपने बारे में जानना पड़ेगा कि हम क्या है, और जब सोसाइटी ये कहती है कि तुम बकवास हो, तुम वर्थलेस हो, तो हमें ये बिलीव नहीं करना चाहिए। एंड वी हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन आवरसेल्व्स। हमें ये बिलीव करना है कि वी आर द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। सो फाइनल वर्ड्स फॉर दिस वीडियो, ऑलवेज रिमेंबर दैट क्रिएटिविटी पावर है और पावर एक्सप्रेस करती है हमारे खुद के बिलीफ को। ऑल्सो डोंट बी लाइक कैंडिस। दिस वॉज मेड टू एक्सप्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।